यूएसए ने आज के टाइम में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन किया हुआ है, लेकिन इस साइनिंग के पहले ही यूएसए 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, जिनकी कंबाइंड यील्ड 2,00,000 किलोटन टीएनटी के बराबर होती है। कंपैरिजन के लिए हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब की यील्ड केवल 15 किलोटन थी। इन सबसे हुए एयर पोल्यूशन की वजह से और न्यूक्लियर लीकेज की वजह से अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां तक कि एक्वेटिक एनिमल्स पर भी नुकसान पहुंचा है और कई सारी कोरल रीफ्स भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। यूएसए के नवाडा स्टेट में इन टेस्ट ब्लास्ट की साइट्स को आज भी स्पेस से देखा जा सकता है। यूएसए ने पूरी दुनिया के न्यूक्लियर टेस्ट में से 36% टेस्ट कंडक्ट किए थे, जबकि इंडिया ने केवल 0.013%। इसके बाद भी यूएस और यूरोप के क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को ब्लेम करते हैं। इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलें।